कहिंदे ने कि सियासत इन्नी गंदली है कि जिहड़ा विच वड़ गया वह तो शायद ही लिबड़े तो बिना बाहर आ जाए, पर जिहड़ा सियासतदान के घेरे विच भी आ गया वह भी रगड़िया जाता है। शायद इस महिला दे नाल अजिहा होया, दावे नाल तो नहीं आख सकते, पर जिहो जे इल्जाम लगे ने सुन के तुहाडी भी तौबा हो जाए। मामला की है ते किस ते इल्जाम लगे है, देखो रिपोर्ट। माड़े सियासतदानों तो कहिंदे आ कि रब बचावे, पर हुण किसे दे अंदर वड़ के थोड़ा वेख्या कि उह किहड़े नाग की जहर अपने अंदर पाली बैठा है ते कदों तुहानूं डंग मार लवे। पर इस महिला दे नाल इंज ही होया लगता है जिवें सियासत दे नाग ने इस नूं डस लिया होवे। मामला की है दसदे आ, थोड़ा सबर तां रखो। दरअसल ये महिला राजस्थान की है जो अपने घरवाले के नाल फिरोजपुर पहुंची तो इतों भाजपा की टिकट तो चोन लड़ रहे ते पहला कांग्रेस का लंबा सभा हिस्सा ते कैबिनेट मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के उत्ते वड्डे इल्जाम लगा रही है। इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं, 40 लाख रुपए की ठगी दे ने, वो भी किश्तों के विच। पहली किश्त 10 लाख रुपए की, दूसरी किश्त सीधी 3 गुणा यानी कि 30 लाख रुपए की। हुण मसला की है, क्यों इन्नी वड्डी ठगी दे इल्जाम इस महिला ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ते उसके करिंदिया दे उत्ते लगाए है, इसके मूहों तुसी आप सुन लो। पहले तो मैं ममता आजर बाड़ी धौलपुर से हूँ और मेरे संग सर 40 लाख की धोखाधड़ी हुई है और जो कि गुरमीत सिंह राणा सोढ़ी ने की है, उसी के लिए सर मैंने यहाँ पर मैं आई हूँ। क्योंकि मुझे अभी पता चला, कुछ ही टाइम पहले मुझे पता चला है कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ की जनता को आगाह करने आई हूँ कि जो धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है वो यहाँ की जनता के साथ ना हो। जिसमें हरिचरण यहाँ रहता है, पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी है उनके यहाँ रहता है और बांकीलाल वहाँ रहता है, ठीक है। ये दोनों आपस में रियल भाई हैं, तो ये हमारे पास आए थे और इन्होंने बार बार, पहले हमने नानुकुर भी की, विश्वास नहीं किया, फिर इन्होंने बार बार अपने भाई का और मंत्री साहब का जिक्र किया कि उनकी दिल्ली तक बहुत पहुँचे, आपको टिकट आसानी से मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आप एक बार फिर से दाखिल लिए। तो फिर इन्होंने सब हमें पंजाब बुलाया, यहाँ पर फिरोजपुर, ठीक, गुरु हरसाय बुलाया। पहले गुरु हरसाय में उसका भाई रहता है, वहाँ हम गए, वहाँ से उन्होंने हरिचरण जो गुरु हरसाय रहता है वो हमें मिलवाने के लिए फिरोजपुर लेकर के आए मंत्री जी के घर पर। वहाँ हमारी मंत्री जी से मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान सर उन्होंने कहा कि आपको बेटा घबराने की कोई चिंता नहीं है, आपको टिकट आसानी से मिल जाएगी, मेरे बहुत ऊँचे संबंध हैं दिल्ली में, सोनिया जी से भी हैं और भी लोगों से, मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा, आप कोई चिंता की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा लेकिन है ना, टिकट देने के लिए आपको ये पार्टी फंड के रूप में कुछ ना कुछ पैसा जमा कराने पड़ेगा क्योंकि फोकट में टिकट नहीं मिलती। गल इत बस नहीं, इस महिला ने तो राणा सोढ़ी की दिल्ली रिहायश का भी जिक्र किया। पीड़ित महिला ने कहा कि राणा सोढ़ी की कोठी के उसकी मौजूदगी बाकी रही किश्त 30 लाख रुपए दिते गए और फिर सोढ़ी ने भरोसा दिता कि तुहाड़ी टिकट पक्की है, तुसी परवाह नहीं करनी, साड़ी पहुँच बहुत उपर तक है। इन्ना ही नहीं, महिला का इल्जाम है कि जदों मैनू टिकट नहीं मिली तो पैसे असी वापस मंगे, पर सानू अग्यों धमकियां दित्तियां जान लगियां। धमकियां ये सन कि फिर जेकर इधर नू मूँह किया तो जानों मार दिता जाएगा, नहीं यकीन तो यह भी उसके मूँह आप सुनो। मेरे से मार्च में सर इन्होंने डिमांड की 19 में कि अब आपका काम हो गया है, अब आप बचे हुए पैसे यानी कि 30 लाख हमें अदा कीजिए। मैं सर वहाँ पे पैसे लेकर के गई, तब साहब ये हरिचरण जी थे, मैं थी और मंत्री जी थे और मेरे हस्बैंड थे, हम सब थे और हमारे सामने सर हमने उनको पेमेंट किया और मंत्री जी ने पैसा लिया, 30 लाख रुपए कैश लिया सर, ठीक है। ये 30 लाख भी सर मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेच करके किया जिसको सर मैंने कोर्ट में लगा रखा है, उसके कागज़ लगाए हुए हैं मैंने कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद सर कुछ टाइम बाद फिर यूँ कहते हैं बेटा अब आप अपने चुनावों की तैयारी करो और आपकी टिकट फाइनल हो गई है, ठीक है। मैं सर वहाँ जाकर के चुनावों की तैयारी में लग गई। कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है कि टिकट मुझे ना मिल करके संजय जाटव को मिल गई है। ये सुनकर के मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ, फिर मैं आई चंडीगढ़, आई सर मिलने के लिए, सर से मिलने के लिए तुरंत ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी टिकट वो किसी एवज में दूसरे को मिल गई है, लेकिन थोड़े टाइम रुको,
टिकट आपको वापस मिल जाएगी। और ये कह करके सर उन्होंने मुझे समझा करके वापस भेज दिया। जाती हूँ उसके थोड़े टाइम बाद सर जब मैं कॉल भी करती हूँ तो यहाँ से मुझे धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। हरिचरण जी ने मुझे कई बार धमकी दी और मंत्री जी ने कि अगर यहाँ पर दोबारा नज़र आए तो जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए पैसा तो जिए तो जुआ होता है भूल जाओ। और ये कह करके सर मुझे जब भी मैंने बार बार फिर भी फ़ोन किए तो सर सिवा मुझे धमकियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं दिमागी रूप से काफ़ी परेशान हो गई, मुझे और कोई जरिया नज़र नहीं आया। फिर मैंने कोर्ट में केस किया जिसकी ये FIR मैंने दर्ज भी कराई है सर। ठीक है। इस महिला ने दस्या कि इस संबंधी केस अदालत दे विच चल रहा थे। अदालत ने भी यही आख्या कि मंत्री की शमूलियत इस दे विच नज़र आ रही है और इस मामले की जांच की जाए। सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो है वह इस केस में लिप्त पाया गया है। ठीक है, तो इसके जांच के आदेश दिए जाएं स्पष्ट रूप से वह किए। इसके बाद सर और हरिचरण को सर उसने वारंट कर दिया। ठीक है, लेकिन हरिचरण जी सर इनके यहाँ रहते थे। राणा गुरमीत सोढ़ी ने चूँकि सर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो यहाँ वहाँ की पुलिस सर जब भी यहाँ पर आती थी तो हरिचरण जी को ये लोग क्या करते थे, जो सोढ़ी साहब हैं वो अपने यहीं रखते थे और इनके निवास स्थान तक पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, तो पुलिस को वापसी करनी पड़ती थी और हरिचरण जी को इन्होंने बिल्कुल हाथ आने नहीं दिया। ठीक है, हरिचरण जी की इन्होंने क्या किया सर, अग्रिम जमानत के लिए कर दिया। अग्रिम जमानत सर इन्होंने हाई कोर्ट में लगाई। हाई कोर्ट में सब इन्होंने अग्रिम जमानत लगाई तो इनका जो वकील था वो हरिचरण जी का, हरिचरण जी के वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 10 लाख रुपये तो मैंने लिए और 30 लाख रुपये जो है वह गुरमीत सिंह राणा सोढ़ी ने लिए हैं। असी ये तो नहीं जानते कि ये इल्ज़ाम जो इस पीड़ित महिला ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ते उस दे नाल संबंधित व्यक्तियों के उत्ते लगाए है उन्हां दे विच किन्नी सच्चाई है, पर जे इन इल्ज़ामां दे विच सच्चाई है तो फिर लोग ये जरूर सोचन कि किस मानसिकता वाले सियासतदान साडे उत्ते राज कर रहे हैं। कुछ दिन लोगों अगे हाथ जोड़ते हैं, पल्ला अड़ते हैं तो फिर 5 साल चमदियाँ चलाते हैं, लोगों का फायदा भी चुकते हैं। इस करके चोणा नेड़े ने, वोट तुहाड़ी है ते हमेशा वोट पाउण तो पहला जरूर कुछ समा सोचा करो कि असी जिस लई अपने मत का इस्तेमाल करन जा रहे हैं उसकी मत साढ़े बारे सोचेगी या फिर सानू 5 साल फिर तो नोचेगी। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।